मिस्टर विश्वनाथ। कौन? अच्छा ये वही मिस्टर विश्वनाथ है ना जिन्होंने एक बार बच्चों के खाने में मिलावट की थी और करीबन 500 बच्चे मर गए थे। उनको बनाया है फूड मिनिस्टर, खाद्य मंत्री। बहुत अच्छे, हमारी रियासत में आपसे ज्यादा लायक इंसान खाने का इंचार्ज और कौन हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। मिस्टर सरस्वती प्रसाद, हाँ, जिनको भाषा की एबीसी नहीं आती, अंगूठा लगाकर काम चलाते रहे ऐसे होशियार इंसान को एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री। हाँ, ये कौन साहब है? मिस्टर कमलेश्वर राव। हाँ, आप जिन्होंने सारी जिंदगी नकली नोट छापने का धंधा किया है, असली नोटों को तो कभी देखा ही नहीं। आप जैसे फरिश्ते को फाइनेंस मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और विक्टर जयराज, जिनके पास अनिल राज जैसा गुंडा था और जो खुद न जाने कितने कत्लेआम कितने खून करवा चुके हैं, ऐसे जमाने के हमदर्द को लॉ मिनिस्टर बनाया गया है, यानी कानून मंत्री की कुर्सी से नवाजा गया। वाह जनाब बी पति साहब, सारी जिंदगी जो ब्लैक मार्केटिंग करते रहे, गैर कानूनी शराब बनाते रहे, गुंडागर्दी जिनका पेशा रहा, ऐसे भगवान के अवतार को एक्साइज मिनिस्टर बनाया गया है। और सीताराम जी गृह मंत्री, अपने मुबारक हाथों से जिसने अपने दामाद का घर बर्बाद करके रख दिया, अपनी बेटी का संसार उजाड़ दिया, वो होम मिनिस्टर। और क्यों नहीं, घर उजाड़ने की जिसे पूरी मालूमात हो, उससे अच्छा गृह मंत्री कौन हो सकता है?